हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो पहले मैं डिफाइन कर लेता हूँ इनवर्स फंक्शन होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो जैसे कि मैंने लिखा टी इनवर्स ऑफ एक्स, क्या लिखा है ये, टी की पावर माइनस वन लिखा है। टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टी की जगह हमारा साइन आएगा, कॉस आएगा, कोसेक आएगा, सेक आएगा, कॉट आएगा, टेन आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, टी इनवर्स एक्स क्या है बेसिकली, दिस इज एन एंगल, पहले लिख लो उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज एन एंगल टी रेशियो ऑफ विच इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, उसने क्या बोला कि टी इनवर्स मेरा एक एंगल है जिसका अगर मैंने टी रेशियो लिया, करस्पॉन्डिंग टी रेशियो, मतलब अगर मान लो मैंने इधर साइन इनवर्स एक्स लिखा, तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख के बता देता हूं, मैंने कहा जैसे साइन इनवर्स एक्स है, टी की जगह मैं साइन ले रहा हूं। ठीक है, तो क्या लिखा है, क्या बोला उसने कि साइन इनवर्स एक्स क्या है बेसिकली, ये एक एंगल है, लेट से थीटा, ये एक एंगल है थीटा, जिसका साइन लेने पे, याद रखना, देखना इस डेफिनेशन को दो बार बोलना है मन में, दो चार बार। क्या बोला, साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, कौन सा एंगल है, जिसका साइन लेने पर मुझे एक्स मिलेगा। तो वही लिखा है, टी इनवर्स एक्स इज एन एंगल टी रेशियो ऑफ विच इज इक्वल टू एक्स। तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। यही तो बोल रहा था वो, क्या बोला, ये साइन इनवर्स एक्स, ध्यान रखना, ये दस बार बोलो उसको मन में, ये एक एंगल है, एंगल है, एंगल है, दिस इज एन एंगल, कौन सा एंगल, जिसका साइन लेने पे मुझे एक्स मिलेगा। तो साइन ले लिया मैंने, ये थीटा है, तो साइन थीटा लिया तो उसका एक्स आ गया। समझ में आया। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टी की पावर माइनस, दिस इज नॉट पावर माइनस वन, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है, टी की पावर माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू वन अपॉन टी ऑफ एक्स, दिस इज नॉट पावर, ये तो एक नोटेशन है, ठीक है ना, दिस इज अ नोटेशन, नॉट द पावर, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, वन अपॉन टी ऑफ एक्स, क्लियर है। तो टी इनवर्स एक्स क्या बोला मैंने, ये एक एंगल है जिसका टी लेने पे मुझे एक्स मिलेगा। तो जैसे मैंने लिखा कॉस इनवर्स एक्स, उसी प्रकार तो क्या बोलूंगा, कॉस इनवर्स एक्स क्या है मेरा, एक एंगल है जिसका कॉस लेने पे मुझे एक्स मिलेगा। तो आई विल से दिस इज एन एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, जिसका कॉस लेने पे मुझे एक्स मिलेगा, इसका मतलब यहां से क्या है, एक्स इज इक्वल टू cos of theta, cos of that angle will be x, clear हुआ बच्चों। तो ये definition एकदम text पे रखना हमने, ठीक है ना, ये basic definition हो गई हमारी inverse की। ठीक है, अब हम आगे proceed करते हैं, तो इसको copy कर लो तुम लोग, इस basic definition को मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे मैंने क्या बोला कि sin inverse x एक angle है जिसका sin लेने पे मुझे x मिलेगा। तो जैसे मैंने x की जगह let's say half रखा, जैसे मैंने क्या लिखा, sin inverse half, तो अब तुम बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम बेसिक डेफिनेशन से इसको कैसे रीड करेंगे कि ये एक एंगल है जिसका साइन लेने पे हाफ आए। अब खुद सोचो कौन सा ऐसा एंगल है जिसका साइन लूम है हाफ हो, पाई बाय सिक्स, क्योंकि साइन पाई बाय सिक्स क्या होता है अपना, क्या बोलते हैं, हाफ होता है। तो ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा, पाई बाय सिक्स, या तो ऐसे लिख लो, अगर मान लो तुम्हें नहीं क्लिक कर रहा है ऐसे, तो ऐसे बेसिक से बिल्कुल, साइन इनवर्स हाफ, मैंने बोला एक एंगल है, तो लेट से मैंने उस एंगल को थीटा मान लिया, दिस इज एन एंगल। अब मैंने क्या लिखा, हाफ को इधर रहने दिया, साइन को उधर लेके गया, तो साइन ऑफ थीटा, अब मुझे पता है साइन थीटा हाफ होता है, तो थीटा क्या होता है, पाई बाय सिक्स। बट अभी जो मैंने लिखा पाई बाय सिक्स, दिस इज इनकम्प्लीट आंसर। क्यों इनकम्प्लीट है, जैसा कि हम लोगों को पता है कि साइन क्या है, साइन थीटा तो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो वो तो हाफ जो वैल्यू आएगी उसकी बहुत वाले एंगल पे आएगी, जैसे पाई बाय सिक्स, फॉर एग्जाम्पल फाइव पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स प्लस टू पाई एंड सो ऑन, इन सभी एंगल्स पे क्या होगा, साइन थीटा हाफ होगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने जो लिखा, क्या लिखा था कि जैसे एक बार लिख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल साइन ऑफ विच इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है, इस डेफिनेशन वो देख रहे हैं हम। ठीक है, देखो सुनो, जैसे अभी हम आगे जाके फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तब हमें जब हम सीखेंगे कि फंक्शन में क्या होता है ना, कोई भी फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी एक्स की एक वैल्यू डालते हैं ना किसी फंक्शन में, तो हमें एक वाई मिलता है। क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग टू वन एक्स वी शुड गेट वन वाई। क्या बोला मैंने, आप देखना ध्यान से। अभी मैं ये बता रहा हूं कि ये जो डेफिनेशन लिखी अभी, दिस इज नॉट एक्चुअली परफेक्टली करेक्ट, ये अभी पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे हम, उस मॉडिफिकेशन को बताने के लिए मैं एक चीज बता रहा हूं, समझा रहा हूं। क्या है वो चीज, देखना सुनना,
मैंने क्या बोला कि अगर मान लो मैंने ये लिखा साइन इनवर्स एक्स, मैंने क्या बोला साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है जिसका साइन लेने पे मुझे एक्स मिलेगा, तो मैंने एक मिनट के लिए साइन, चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ साइन इनवर्स एक्स, मैंने बोला साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स जीरो, लेट से लिखा मैंने एक्स की जगह जीरो डाला, तो तुम कैसे रीड करोगे इसको कि साइन इनवर्स जीरो एक ऐसा एंगल है जिसका साइन लेने पर जीरो मिले, जिसका साइन लेने पे जीरो मिले, तो मुझे पता है साइन किस एंगल का साइन जीरो होता है, जीरो पाई का मल्टीपल हो तो जीरो पाई टू पाई एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको सोचो कि मैंने जैसे ये तो मेरा एक फंक्शन था वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, अभी अगर मैंने ये डेफिनेशन यूज की तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने एक्स की जगह जीरो रखा तो दिख रहा है, तो मैं एक्स की जगह अगर जीरो रखा तो साइन इनवर्स जीरो, मुझे ये तो बहुत सारे वाई मिल रहे हैं, एक जीरो भी मिल रहा है, पाई भी मिल रहा है, टू पाई भी मिल रहा है, मतलब साइन इनवर्स एक्स में अगर मैंने इधर एक्स की जीरो रखा, अगर मैंने इस डेफिनेशन को फॉलो किया तो अभी के लिए मुझे एक्स की वैल्यू, इसकी वाई की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, जीरो पाई टू पाई थ्री पाई, तो ये फंक्शन तो हो नहीं पाएगा, क्यों, फंक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हम कोई भी एक एक्स डालेंगे ना तो हमें वाई एक ही मिलना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि फंक्शन की वैल्यू वाई एक्स इज इक्वल टू टू पे क्या होगी, तो एक ही कोई वैल्यू होगी, लेट्स से थ्री होगी, अब ये नहीं बोलूंगा थ्री भी हो सकती है फोर भी हो सकती है या थ्री भी होगी फोर भी होगी, कभी भी एक एक्स के करस्पॉन्डिंग दो वाई नहीं आएगा, दो से एक से ज्यादा नहीं आएगा, तो इसी प्रकार अगर मैंने ये वाली डेफिनेशन फॉलो की अभी के लिए कि साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल साइन ऑफ विच इज इक्वल टू एक्स, तो ये मेरा फंक्शन नहीं हो पाएगा, इस बात को समझो, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी एक्स इज इक्वल टू जीरो पे मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे आउटपुट आ रहे हैं, y की हमें अलग अलग वैल्यू मिल रही है, जीरो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई, लेट से मैंने हाफ रखा इधर तो साइन इनवर्स हाफ अगेन मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, पाई बाय सिक्स पाई बाय सिक्स पाई बाय सिक्स प्लस टू पाई एंड सो ऑन, तो मुझे y एक यूनिक तो मिला नहीं, हेंस एट प्रेजेंट दिस इज नॉट फंक्शन, तो अब मुझे इस डेफिनेशन में थोड़ा मैं चेंज करूंगा सो दैट ये इसको मैं फंक्शन बोल सकूं, ठीक है, चलो तो इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, अब इसको समझते हैं, याद रखना, देखा मैंने क्या बोला, अभी तक जो हमने लिखा साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल जिसका साइन लेने पे एक्स मिलेगा, दैट इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन, ठीक है, क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि एक एक्स रखने पे मुझे मल्टीपल वाइज मिल रहे हैं, बट एक एक्स पे एक ही वाई आना चाहिए, फंक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे जब मैं फॉर्मली फंक्शन को डिफाइन करूंगा तो मैं, ठीक है ना, दो तीन लेक्चर बाद हम देखेंगे, अभी के लिए हमने मान लिया कि हमें इतना पता है फंक्शन के लिए एक एक्स पे एक वाई मिलता है, बट अभी इस डेफिनेशन के हिसाब से साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स में एक्स की जगह जीरो डाला तो मुझे बहुत सारे वाई मिल रहे हैं, इनफाइनाइट वाई मिल रहे हैं, आई वांट ओनली वन वाई, ठीक है, अब उस चीज को बताने के लिए देखना, ध्यान से समझना, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री पे आ रहा हूं, देखो अब मुझे पता है कि जो साइन इनवर्स साइन थीटा होता है वो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सुनना ध्यान से, क्या है साइन इनवर्स जो साइन थीटा होता है वो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो क्या किया हमने, जो मैंने डेफिनेशन बोली उसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं कि मुझे क्या हो रहा है, जैसे मैंने अभी फॉर एग्जांपल तुम्हें ऐसे लिखा, जो अभी प्रीवियस वाला एग्जांपल साइन इनवर्स हाफ, तो मुझे क्या मिला पाई बाय सिक्स फाइव पाई बाय सिक्स और फिर पाई टू पाई प्लस पाई बाय सिक्स एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट एंगल्स मिल जाएंगे मुझे, बट मेरे को चाहिए केवल एक ही वैल्यू मिले, तो अब देखना क्या किया इसमें कि अगर मेरा साइन इनवर्स एक्स का आर्ग्यूमेंट अगर पॉजिटिव है, अगर एक्स पॉजिटिव है तब मैं क्या करूंगा, इतने सारे एंगल ना लेके इनमें से वही एंगल लूंगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, दैट इज पाई बाय सिक्स, तो इससे क्या होगा मेरा पॉजिटिव वाले जो भी इधर आर्ग्यूमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो एंगल मेरा कहां आएगा, इसके इधर के बीच में, ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने मान लो एक्स के लिए माइनस हाफ रखा तो मेरा क्या आएगा साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ क्या होता है हमारा, एक तो होता है माइनस पाई बाय सिक्स, ठीक है, उसके बाद हम इसमें टू पाई ऐड कर सकते हैं तो टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स एंड सो ऑन, अगेन देयर आर इनफाइनाइट एंगल्स, अब नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या किया हमने, नेगेटिव वैल्यू के लिए हम फोर्थ क्वाड्रेंट में गए, हमने क्या किया कि हम इनमें से जो इनफाइनाइट एंगल्स हैं इनमें से वही एंगल लेंगे जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो माइनस पाई बाय सिक्स आ रहा है तो ये वाले पार्ट वाला लेंगे, तो ऐसा करने पे क्या हुआ हमारा जो साइन इनवर्स एक्स है ना, हमने क्या किया बेसिकली पहले साइन इनवर्स एक्स का क्या आ रहा था, रेंज जो आ रहा था ना वो इनफाइनाइट आ रहा था, मतलब इनफाइनाइट से मेरा मतलब है कि जीरो से टू पाई टू पाई से फोर पाई सब आ रहे थे वैल्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर ये पाई बाय सिक्स है ये फाइव पाई बाय सिक्स है ये पाई से बड़ा आ गया फिर ये टू पाई से बड़ा आ गया, तो अब मैंने क्या किया इसको इसका आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया,
मैं क्या बोल रहा हूँ देखना, एक बार डेफिनेशन लिख रहा हूँ तो ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी. क्या है देखो, मैं लिख रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल साइन ऑफ विच इज इक्वल टू एक्स एंड, ये देखना एंड के बाद इंपॉर्टेंट, एंड द एंगल शुड लाई बिटवीन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू. सुनना अब क्या हुआ इसने, ये देखो साइन इनवर्स एक्स जो है इसमें हम अगर पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मिलेगा. नेगेटिव वैल्यूज डालेंगे तब हमें क्या मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल मिलेगा. तो सारे वैल्यूज कवर हो गए हमारे इन दोनों क्वाड्रेंट के एंगल लेके. केवल अब हमें इन क्वाड्रेंट पे जंप नहीं करना पड़ेगा. तो हमारी क्या होगी, करस्पॉन्डिंग टू एक एक्स हमारा एक ही वाई मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स हाफ के करस्पॉन्डिंग आई विल नॉट से पाई बाय सिक्स और टू पाई प्लस पाई बाय सिक्स, आई विल ओनली से साइन इनवर्स हाफ इज पाई बाय सिक्स. अगर आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ले लेंगे, अगर आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल ले लेंगे. इससे क्या हो गया, हमारा आउटपुट, हमने आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया. किस लिए रिस्ट्रिक्ट किया, टू मेक दिस एज अ फंक्शन. पहले ये फंक्शन नहीं था, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, हमारा एक्स इजिकल टू हाफ पे बहुत सारे वाई मिल रहे थे. अब हमने उसके आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं भाई, हमें केवल आउटपुट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में चाहिए, तब एक ही एक्स के लिए एक ही वाई आएगा. तो हमारा ये फंक्शन बन गया. आई होप समझ में आया होगा. ठीक है, अब जैसे कोई बच्चे का डाउट हो सकता है कि सर जैसे आपने बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर मैंने अगर मान लो हाफ पॉजिटिव रखा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ले लिया मैंने, सर पॉजिटिव तो इधर भी होता है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट का भी ले सकते हैं. ले तो सकते हैं, मतलब इसका मतलब साइन इनवर्स आपको मैं 5 पाई बाय 6 भी लिख सकता हूं, बट बाय कन्वेंशन दैट ये जो कन्वेंशन है उसमें क्या किया है, साइन इनवर्स एक्स को पॉजिटिव, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो है सारे जितने भी पॉजिटिव के लिए, तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को चूज किया है क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो उससे क्या होगा, जब भी आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होगा फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस इनवर्स में, इन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स अभी आगे जाके देखेंगे, सबके लिए पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे, नेगेटिव के लिए डिसाइड करेंगे हम. नेगेटिव के लिए जैसे अभी अभी हम देख रहे हैं साइन इनवर्स के लिए, तो हम इधर लेंगे, ले तो इधर भी सकते हैं बट इधर लेंगे कन्वेंशन. और जैसे आगे चल के अभी हम देखेंगे कॉस इनवर्स एक्स वगैरह उसमें ये लेते हैं क्योंकि इधर कॉस इनवर्स नेगेटिव होता है. समझ में आया बच्चों क्या बोला अभी के लिए. वैसे अभी अगर मान लो कोई डाउट भी आ रहा है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये एज अ सेपरेट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं. अभी मेरे को इतना बताना है तुम्हें कि तुम ग्राफ को थोड़ा एनालाइज कर पाओ. ये जो भी बता रहा हूँ दैट इज फ्रॉम ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अभी हम कुछ देर बाद इन सभी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वगैरह इन सभी के ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं. ठीक है, तो उसके लिए अभी हमें याद रखना है कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है ना इसका हमने रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया. इतना याद रखो, क्यों रिस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि हमें इसको फंक्शन बनाना है. वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा एक बार और बोल देता हूँ आखिरी बार. हमने क्या किया, पहले क्या हो रहा था, एक्स की जगह हाफ डालने पे हमें बहुत सारे वाई मिल रहे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी मिल रहा था सेकंड क्वाड्रेंट का भी मिल रहा था. देखो ना क्या हो रहा है, चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ. पाई बाय सिक्स पाई बाय सिक्स ये कैसे आया, मैंने क्या बोला साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. अच्छा, अब साइन इनवर्स फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है तो साइन इनवर्स हाफ जो आएगा वो जो एंगल आएगा, अगर मैंने मान लो ये वाली यहां से यहां तक की डेफिनेशन यूज नहीं की, मान लो मैं इतने पार्ट कॉपी के लिए नहीं लिख रहा हूं, तो क्या हो रहा है मेरा साइन इनवर्स हाफ के लिए पाई बाय सिक्स आ रही है, वो इधर आएगी. देखो इधर आएगी पाई बाय सिक्स, दिस इज पाई बाय सिक्स. ठीक है, फिर पाई बाय सिक्स इधर आएगी, दिस इज पाई बाय सिक्स. फिर लिखा है 2 पाई प्लस पाई बाय सिक्स, अगेन वो घूम के 2 पाई का चक्कर लगा के यहीं आ जाएगा, दिस इज एंगल अगेन 2 पाई प्लस पाई बाय सिक्स. तो समझ में आ रहा है, पॉजिटिव लेने पे क्या हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में एंगल आ रहे हैं, बट मैंने क्या किया डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 0 से पाई बाय 2 में मेरा काम चल जाएगा फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, और फॉर नेगेटिव मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज कर लिया टू मेक इट अ फंक्शन. क्लियर है बच्चों, तो इस पार्ट को कॉपी कर लो तुम लोग. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, एंड द एंगल शुड लाई बिटवीन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू. ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे कॉस इनवर्स एक्स का. तो इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर देता हूं. ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने बोला कॉस इनवर्स हाफ ले लेते हैं. ठीक है, मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू, मैं अब डिस्कस कर रहा हूं कॉस इनवर्स एक्स, और मैंने एक्स की जगह रखा हाफ, तो देखो मेरा क्या आएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ. अगर मान लो मैं शुरू वाली डेफिनेशन यूज कर रहा होता जिसमें मैंने मॉडिफाई नहीं किया था, तो क्या मैं बोलता कॉस इनवर्स हाफ एक एंगल है
कौन सा एंगल है जिसका कॉस लेने पे हाफ मिले, तो कौन से एंगल का कॉस लेने पे हाफ मिलता है, पाई बाय थ्री, 60 डिग्री, तो मैं इसको क्या लिखता, पाई बाय थ्री। क्या मेरा ये एलोन ये अकेला आंसर होता, नहीं, इसके बाद मेरा और क्या आंसर होता है, जैसे मैं चलो कॉस के ग्राफ से बता देता हूँ, पहले मैं कॉस के ग्राफ से बता देता हूँ ये सारे एंगल्स, तो हाफ मेरा ये होगा वाई इज इक्वल टू हाफ, तो यू कैन सी एक तो पाई बाय सिक्स मिलेगा मुझे, सॉरी पाई बाय थ्री, और ये वाला एंगल मिलेगा। अब ये एंगल क्या होगा, टू पाई माइनस पाई बाय थ्री, ये क्या होगा, टू पाई माइनस पाई बाय थ्री, और एक मेरा इधर भी आ जाएगा विच इज माइनस पाई बाय थ्री, तो यू कैन सी इधर आंसर मेरे क्या क्या आने वाले हैं, चलो मैं इधर लिख लेता हूँ, माइनस पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री, इसके बाद टू पाई माइनस पाई बाय थ्री एंड सो ऑन, देयर विल बी इनफाइनाइट एंगल्स, देयर विल बी इनफाइनाइट एंगल फॉर विच कॉस थीटा इज हाफ, तो ये तो अभी फंक्शन नहीं हुआ मतलब, क्योंकि x की वैल्यू एक रखने पे मुझे y तो बहुत सारे मिल रहे हैं, मुझे एक y चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, इन सभी y में से एक y चूज करूंगा, कौन सा, सिंस x इज पॉजिटिव सो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला दैट इज पाई बाय थ्री, तो मैं क्या बोलूंगा, cos इनवर्स हाफ इज ओनली पाई बाय थ्री, नॉट माइनस पाई बाय थ्री, नॉट दिस, सेम एक्सप्लेनेशन वही है, क्या है कि मेरा cos इनवर्स x इधर पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, ठीक है, तो अब देख रहे हो जैसे मैंने cos इनवर्स हाफ लिखा था, तो माइनस पाई बाय थ्री कहाँ आ रहा है, बेसिकली माइनस पाई बाय थ्री मेरा यहाँ आ रहा है, फिर मेरा पाई बाय थ्री कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, फिर टू पाई माइनस पाई बाय थ्री, तो टू पाई पहले यहाँ गए, माइनस पाई बाय थ्री, अगेन ये वाला एंगल मेरा क्या हो गया, टू पाई माइनस पाई बाय थ्री, फिर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, टू पाई प्लस पाई बाय थ्री, तो देख रहे हो ये और ये आते रहेंगे बार बार, लेकिन मैं इनमें से एक ही लूंगा, मैं गोल चक्कर नहीं लगाऊंगा, ये नॉट इवन आई विल टेक फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल आई विल टेक फॉर एक्स पॉजिटिव, क्लियर हुआ। इसी प्रकार अब नेगेटिव की डिस्कशन कर लेते हैं, नेगेटिव के लिए देखना मैंने क्या लिखा, x की जगह माइनस हाफ डाला, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस हाफ, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, अब मैं अगेन इसको बेसिक डेफिनेशन से कैसे रीड करूंगा, ये एक एंगल है जिसका कोसाइन लेने पे माइनस हाफ मिले, तो कॉस किसका कॉस ऑफ कॉस थीटा हाफ माइनस हाफ कब होता है, 120 डिग्री मतलब 2 पाई बाय 3 पे, तो क्या लिखूंगा मैं, दिस इज 2 पाई बाय 3, बट केवल 2 पाई बाय 3 लिखना गलत है, और भी एंगल्स होते हैं, तो मैं उसको दिखाने के लिए इधर लाइन बना देता हूँ, देखो ये वाली लाइन, दिस इज वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो देखो क्या क्या मिल रहा है हमें, एक तो ये एंगल मिल रहा है, एक ये एंगल मिल रहा है एंड सो ऑन, अच्छा अब ये वाला एंगल क्या है, माइनस टू पाई बाई थ्री, ये माइनस टू पाई बाई थ्री, फिर हमें ये वाला एंगल मिलेगा, फिर हमें ये वाला एंगल मिलेगा, ये एंगल मिलेगा, ये सभी एंगल्स पे क्या होगा, हमारा कॉस थीटा माइनस हाफ होगा, बट मुझे तो एक ही वैल्यू चाहिए वाई की, इस अब क्या किया, एक्स नेगेटिव एक्स के लिए क्या किया हमने, कौन सा क्वाड्रेंट चूज किया, सेकंड क्वाड्रेंट चूज किया, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा नेगेटिव इधर होता है, तो इस क्वाड्रेंट के एंगल लेने से क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव वाले कवर हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट से कवर हो गए। आप कोई बोलेगा सर नेगेटिव वाले के लिए ये ले सकते थे क्या, ले तो सकते थे, बट अगेन जैसा कि मैंने उधर बोला था, कन्वेंशन क्या है, नेगेटिव वाले के लिए हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही लेंगे, ठीक है ना, वी विल नॉट टेक फॉर थर्ड क्वाड्रेंट एंगल। तो क्लियर हुआ क्या क्या हुआ, देखो आप देखना एक समरी हो गई, देखो कैसे कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 के 6, अभी बाकी के भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, 6 के 6 जो है उनमें अगर x पॉजिटिव है तो हमें पता है कि x पॉजिटिव है मतलब थीटा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दिक्कत कहाँ है, नेगेटिव वाले में, नेगेटिव वाले में क्या है कि जैसे अभी मैंने साइन का बताया, साइन में मैं क्या यूज कर रहा हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, कॉस में मैं क्या यूज कर रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज साइन हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कॉस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्लियर हो बच्चों। तो अब इधर मैं कॉस इनवर्स एक्स की डेफिनेशन लिख लेता हूँ, क्या लिखूं, देखिए तो मैं इसको कॉपी कर लूँ, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, पहली बार पढ़ रहे हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और थोड़ा सा नई चीज़ है, बट अगेन जैसे कि मैंने बोला बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, तो ये एज अ सेपरेट चैप्टर पूरा आने वाला है हमें, ठीक है ना, जब हमारा कैलकुलस में डिफरेंशियल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं लूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलस का पार्ट यूज होगा, डिफरेंशिएशन वगैरह, इसलिए ये जनरली बाद में पढ़ाया जाता है। अब सुनना मैंने क्या बोला, अब कॉस इनवर्स एक्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या लिखूंगा मैं, कॉस इनवर्स एक्स इज एन एंगल, पहली बात तो ये एक एंगल है, इज एन एंगल कॉस ऑफ विच इज इक्वल टू एक्स, बट इतना लिखने पे क्या होगा, ये मेरा फंक्शन नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स की जैसे अभी देखा तो हमने एक्स की वैल्यू अगर रखी कोई भी एक तो हमें बहुत सारे वाई मिलेंगे, जैसे मैंने एक्स की वैल्यू हाफ रखी तो मुझे क्या क्या मिल रहा है, टू पाई बाय थ्री, माइनस टू पाई बाय थ्री, फोर पाई बाय थ्री एंड सो ऑन, तो गलत हो जाएगा ये, मुझे एक ही वाई चाहिए,
इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी रेंज जो है आउटपुट है ना, इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। रिस्ट्रिक्ट कैसे करूंगा, साइन के केस में मैंने क्या किया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ऐसा क्यों किया, क्योंकि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लेने पे मेरा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट कवर हो गया था। फर्स्ट से पॉजिटिव वैल्यूज कवर हो गई थी, फोर्थ से नेगेटिव। इधर मुझे क्या करना है, फर्स्ट के लिए तो ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हैंडल कर लेगा, बट फॉर नेगेटिव वैल्यूज आई विल यूज सेकंड क्वाड्रेंट। तो मैं आउटपुट क्या लिखूं, इंस्टेड ऑफ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जीरो से पाई क्या लिखूंगा, एंड लिखो इधर, कंटिन्यू करो, एंड द आउटपुट, एंड आउटपुट शुड लाई बिटवीन, शुड लाई बिटवीन, एंड आउटपुट शुड लाई बिटवीन जीरो क्लोज से पाई क्लोज। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, ठीक है, कि सर इधर जीरो से पाई क्यों लिया, उधर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्यों लिया। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन दे दिया है, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो तुम मुझसे पूछ लो व्हाट्सएप पे, ठीक है, बट आई थिंक समझ में आ गया होगा मोस्ट ऑफ द बच्चों को। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखना, अब जैसे अब मैं कोसेक इनवर्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स जो होगा, देखो अब हमें जो कोसेक इनवर्स एक्स है वो बेसिकली साइन का ही रेसिप्रोकल है, इनवर्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, बेसिकली कोसेक एक्स बोल रहा हूँ। तो जहाँ साइन एक्स पॉजिटिव, जहाँ साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होती है, वही पॉजिटिव नेगेटिव कोसेक एक्स के लिए होती है, क्योंकि इस कोसेक एक्स क्या होता है, जस्ट साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है। तो इसमें भी मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स एक्स वाली डेफिनेशन यूज करूंगा, मतलब डेफिनेशन यूज करूंगा, मतलब कि अगेन आई विल से दिस इज एन एंगल जिसका कोसेक लेने पे एक्स मिलेगा, वो डेफिनेशन तो कॉमन है सभी में, बट इसमें मैं क्या बोलूंगा, आउटपुट शुड लाई बिटवीन जो साइन के लिए यूज कर रहा था। क्यों, क्योंकि हमें पॉजिटिव नेगेटिव से ही मतलब है ना, और साइन जहां साइन जो साइन का जो साइन पॉजिटिव नेगेटिव जहां होता है वही कोसेक होता है, क्योंकि कोसेक और साइन तो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल लेने से उसका साइन तो चेंज नहीं हो जाता। ठीक है ना, तो क्या बोलूंगा, कोसेक इनवर्स एक्स, अगेन तुम लिख लेना, इज एन एंगल कोसेक ऑफ विच इज इक्वल टू एक्स, एंड द आउटपुट शुड लाई बिटवीन, क्या लिखूंगा मैं, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट करेंगे जब मैं टेबल बनवाऊंगा, इसमें जीरो नहीं लेते एक्चुअली। ठीक है ना, क्यों नहीं लेते, बिकॉज डिफाइन नहीं होगा जीरो पे, वो भी बात की बात है, अभी के लिए तुम इतना लिख लो। क्या कि इधर क्या फॉलो होगा, साइन वाला। सिमिलरली जो sec इनवर्स x है, sec इनवर्स x, ये अब अगेन इसमें क्या हो जाएगा हमारा, आउटपुट cos वाला लेंगे, मतलब आउटपुट शुड लाई बिटवीन जीरो क्लोज से पाई क्लोज। क्यों, क्योंकि sec x और cos x दोनों उसके जो साइन होते हैं, sign साइन होते हैं, वो सेम होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो पॉजिटिव के लिए अगेन आई विल यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और नेगेटिव के लिए आई विल यूज सेकंड क्वाड्रेंट। तो ओवरऑल जो कोसाइन वाले की डेफिनेशन में जो आउटपुट आ रहा था वही सेकंड वर्स एक्स में आ जाएगा। मेन आता है टेन और कॉट में, देखना। तो इसको रब कर देता हूँ, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। अब मैं टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का डिस्कशन लेता हूँ, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। अब देखना टेन इनवर्स एक्स का देखते हैं, तो अगेन टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, एक एंगल होगा जिसका टेन लेने पे मुझे एक्स मिलेगा, एंड द एंगल शुड लाई बिटवीन। अब वो पार्ट है, उसको एक्सप्लेन करते हैं, अब देखना ध्यान से। अब टेन मुझे पता है इधर पॉजिटिव होता है, और कहाँ पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, दिस इज फॉर टेन, साइन ऑफ टेन। तो देखो जैसे कि मैंने बोला था, पॉजिटिव के लिए तो हम चाहे टेन हो, कॉस हो, कॉट हो, कुछ भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करेंगे। तो जीरो से पाई बाई टू तो आएगा ही आएगा आउटपुट फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। फॉर नेगेटिव वैल्यूज अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ये वाला एंगल यूज करूं सेकंड क्वाड्रेंट का, या फोर्थ क्वाड्रेंट का। अगेन बाय कन्वेंशन क्या किया है हमने, क्या किया गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट लिया गया है। तो क्या बोलूंगा मैं, आउटपुट शुड लाई बिटवीन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इधर ओपन क्यों आया अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, क्या बोला दोबारा एक बार, हमने कैसे डिसाइड किया, ये टेन जो होता है वो इधर फर्स्ट ऑफ थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो देखो जैसे मैंने बोला, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हम पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए एंगल कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। ठीक है, अब नेगेटिव के लिए अगेन मेरे पास दो ऑप्शन है, तो कन्वेंशनली क्या यूज करेंगे, फोर्थ वाला। कर तो ये भी सकते थे, बट कन्वेंशनली वी विल यूज फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, आउटपुट शुड लाई बिटवीन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो हमारा जो वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है वो एक फंक्शन बन जाएगा, वैसे फंक्शन नहीं था क्योंकि हमारा एक एक्स डालने पे इनफाइनाइट हमें वाई मिल रहे थे। सिमिलरली अब आते हैं हम कॉट इनवर्स एक्स पे, ये तो क्या टेन इनवर्स एक्स का डिस्कशन। अब आते हैं कॉट इनवर्स एक्स पे, तो कॉट इनवर्स एक्स भी अगेन जो कॉट इनवर्स एक्स का साइन होता है, मैं इसको इधर ही चेंज कर देता हूँ, तुम दोबारा बनाना इधर,
ये cot x का, तो cot और tan तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो जहां cot पॉजिटिव वहां tan पॉजिटिव, जहां tan नेगेटिव वहां cot नेगेटिव, तो sin 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 तो यही आएंगे जैसे जो लिखे हैं अभी बोर्ड पे। तो अगेन पॉजिटिव के लिए तो कोई डाउट नहीं, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा आंख में, ठीक है ना, इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। अब अगेन नेगेटिव के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, तो कर तो मैं ये भी सकता हूँ ये भी सकता हूँ, बट कन्वेंशनली क्या यूज किया हमने, सेकंड क्वाड्रेंट एंगल। तो क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट कहां लाई करेगा, जीरो से पाई। तो जीरो से पाई लेने पे क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंगल कवर हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, आउटपुट शुड लाई बिटवीन जीरो से पाई। क्लियर हुआ, ठीक है, अभी बताऊंगा इसको ओपन आएगा इधर, ठीक है, अभी के लिए हमने इतना लिख लिया। क्लियर है बच्चों, कैसे डिसाइड किया मैंने कौन सा क्वाड्रेंट। तो ओवरऑल समरी क्या बनी हमारी, देखो हम एक जगह लिख रहा हूं, ठीक है ना, देखा क्या लिखा मैंने, देखो इधर साइन लिया, साइन कोसेक इनवर्स है सारे, साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और हमारा एक टेन इनवर्स एक्स। इसमें तो मैंने क्या लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें तो मैंने लिया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है, ये ओवरव्यू है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है मतलब क्लोज ओपन का, बट मैंने समराइज करने के लिए तीनों को एक साथ लिख लिया। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स, कॉस का उल्टा होता है सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इसके लिए मैंने क्या लिया, आउटपुट शुड लाई बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो रहेगा ही रहेगा पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, नेगेटिव के लिए क्या लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट एंगल। तो ये हो जाएगा जीरो से पाई। तो ये हो गया हमारा समरी अभी तक का जो हमने देखा, ठीक है ना, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमने आउटपुट देख लिए, कि इनके आउटपुट तो इधर लाई करते हैं और इसके इनके आउटपुट इधर लाई करते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। अब हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम ये छह के छह फंक्शंस जो इनके डोमेन और रेंजेस वगैरह डिस्कशन करेंगे। देखो उससे पहले मैं ना एक काम करता हूँ, कुछ फॉर्मुलेज वो बता देता हूँ, ठीक है, वो अभी अगेन अभी क्वेश्चन देखेंगे उसके लिए यूज होने वाले हैं। तो वो फॉर्मुलेज क्या है, पहले फॉर्मुलेज लिख लो। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फॉर्मूला, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस टेन इनवर्स एक्स, मतलब जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगेन इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं हम बाद में देखेंगे जब ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे, अभी के लिए तुम इसको एज ए मेमोराइज करो फॉर्मूले को, अभी उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना कैलकुलस में यूज होगा, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हमसे हो जाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है ना, अभी हम बहुत सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं। अब ये तीन कवर हो गए ऐसे, ठीक है, और बाकी तीन जो बच्चे अब देखना उसमें, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा तुम्हें अभी, ठीक है, और ये हो गया हमारा sec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स एंड लास्टली cot इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। मैंने ऐसे ऐसे इसलिए लिखवाया याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि ऊपर तीन वाले की रेंजेस जो थी वो सेम थी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो उनके लिए सेम कैटेगरी ऑफ फॉर्मूला है, और जो नीचे के तीन है उनके लिए हमारी रेंज क्या थी, जीरो से पाई, तो उनके लिए सेम कैटेगरी का फॉर्मूला है। इसमें क्या लिखा, माइनस को बाहर ले सकते हैं लेकिन आगे हमें पाई में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा अब सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला लिख लेते हैं जो यूज होगा बहुत ज्यादा, देखना ध्यान से, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इट शुड बी पाई बाई टू। सिमिलरली ये दोनों आ गए, सिमेट्री है, देखो यार ज्यादा रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि सिमेट्री है जो भी फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना। अब जैसे अगर मैंने इधर कोसेक इनवर्स एक्स लिखा तो क्या जाएगा, सेक इनवर्स एक्स साथ में, अगेन इट इज पाई बाई टू एंड लास्टली टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स अगेन इट इज पाई बाई टू। तो ये सेकेंड कैटेगरी का फॉर्मूला हो गया हमारे, ठीक है। अब आते हैं एक और थर्ड कैटेगरी, बस इसके इससे ज्यादा फॉर्मूले नहीं है इधर हमारे, अब नहीं थर्ड जो कैटेगरी है उसमें हमारे रेसिप्रोकल वाला है, क्या है देखना ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स वन बाय एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स वन बाय एक्स, और एक आता है टेन, अभी देखना ये थर्ड वाला इंपॉर्टेंट जो जनरली बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, टेन इनवर्स एक्स, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे लिखेंगे कॉट इनवर्स वन बाय एक्स, बट इतना लिखना इज नॉट करेक्ट, चेंज क्या है इधर देखना,
क्या लिख रहा हूं मैं, ये इसके बराबर कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x इज पॉजिटिव, और दिस इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1 बाय x फॉर x लेस देन 0। अब ऐसा क्यों आया, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं मैं, हालांकि वो भी अभी जरूरत नहीं है एट प्रेजेंट, बट फिर भी सुन लो एक बार। देखो ये तो समझ में आ रहे होंगे ठीक है ना, बट इसमें शायद बच्चों को डाउट हो रहा होगा ये दो में ब्रेक क्यों हुआ। दो में ब्रेक इसलिए हुआ, देखो अगर x पॉजिटिव है तो देखो tan इनवर्स x फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, cot इनवर्स 1 बाय x, x पॉजिटिव है तो 1 बाय x भी पॉजिटिव है, और cot इनवर्स पॉजिटिव भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, तो यहां तो मैच हो जाएगा। बट अब सोचो, अब देखना, अगर मान लो मैं एक मिनट के लिए नीचे वाला फॉर्मूला हटा रहा हूं, अगर x नेगेटिव हुआ, सुनना ध्यान से सुनना, अगर x नेगेटिव हुआ तो tan इनवर्स नेगेटिव तो क्या आएगा, दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल, जैसे कि मैंने बताया x नेगेटिव होता है तो tan इनवर्स x क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है। बट अब इधर देखो ध्यान से, जब x नेगेटिव होगा, x अगर नेगेटिव होगा तो 1 बाय x भी नेगेटिव होगा, और अगर 1 बाय x नेगेटिव होगा तो cot इनवर्स नेगेटिव क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा cot इनवर्स में जब नेगेटिव होता है x तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आ रहा है ये सेकंड का फॉर x नेगेटिव, तो दोनों बराबर तो हो ही सकते हैं ऐसे, तो हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इधर तुम वेरीफाई कर लो, इधर चल जाएगा काम। देखो कैसे, देखो अब x नेगेटिव होगा तो ये जो वैल्यू आई मेरी, दिस इज ए फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब जीरो माइनस पाई बाय टू से जीरो के बीच में, माइनस पाई बाय टू से जीरो के बीच में। अब इसको देख लेते हैं, अब जैसे कि मैंने ये बताया x नेगेटिव है तो 1 बाय x भी नेगेटिव है, तो cot इनवर्स 1 बाय x क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, मतलब कितना होगा, पाई बाय टू से पाई। अब माइनस पाई में मैं अगर पाई बाय टू से पाई के बीच में वैल्यू एड करूंगा तो क्या आएगी, एक माइनस जीरो और माइनस पाई बाय टू के बीच में आ जाएगी वैल्यू, तो एडजस्ट हो गया फॉर्मूला, क्लियर है। अब देखो अगर मान लो तुम्हें कभी कंफ्यूजन भी हो कि सर मान लो हमें इधर कंफ्यूजन हो गया, कोई बच्चा चलो लिख लेता हूं मैं, मान लो मैंने लिखा माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, देखो पॉजिटिव वाला तो हमेशा याद रहेगा क्योंकि वो तो सिमेट्री है, सभी को उल्टा कर दिया हमने। नेगेटिव वाले में अगर मान लो तुम्हें कंफ्यूजन हो इधर, तो हमारे चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसमें से यही करेक्ट कैसे होगा वो समझा देता हूं। देखना जैसे मैंने लिखा टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, देखना ध्यान से बच्चों, मैंने लिखा माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स, एक लिखा पाई प्लस कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स, एक लिखा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स, और एक जो करेक्ट वाला है माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स। अब मुझे मान लो इन चारों ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा है, हो जाता है जनरली, डोंट मतलब ऐसा सोच, मैं सोचना मैं ये 100% कन्फ्यूजन होता है इसमें, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इधर माइनस था या प्लस था, पाई और कॉट इनवर्स याद रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव का होता है उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो उस चीज को समझने, उस चीज में करेक्ट चूज कैसे करेंगे वो बता रहा हूं मैं। देखना जैसे कि मैंने बताया cot tan इनवर्स x, अब मैंने क्या बोला हूं, x नेगेटिव फॉर x लेस देन 0, ये तो एक क्या हो गया हमारा, जैसा भी मैंने बताया माइनस पाई बाय टू से 0 के बीच में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। अब मान लो तुमने पहला वाला लिखा, तो पहले वाले में के हिसाब से ये cot इनवर्स x की रेंज देखी हमने x नेगेटिव के लिए क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, तो पाई बाय टू से पाई, वेट अ मिनट, ठीक है पाई बाय टू से पाई, अब इधर ऑलरेडी एक माइनस लगा है तो क्या हो गया माइनस पाई बाय टू से माइनस पाई, और उसमें भी मैंने माइनस पाई ऐड कर दिया, ये तो माइनस टू पाई को भी क्रॉस कर गया, तो ये इस रेंज में तो आ नहीं पाएगा, हेंस ये रिजेक्ट हो गया। अब इस पे आते हैं cot इनवर्स 1 बाय x, अगेन ये पाई बाय टू से पाई है, ये पाई है, अब पाई में मैं ऐड करूंगा पाई बाय टू से पाई, तो क्या होगा 3 पाई बाय टू से बड़ा नंबर आएगा, बट इस रेंज में तो आ ही नहीं पाएगा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब हम इसको रिजेक्ट करते हैं cos इनवर्स 1 बाय x, क्या है पाई बाय टू से पाई, तो पाई में से अगर मैंने पाई बाय टू से पाई की वैल्यू घटाई तो ये 0 से पाई बाय टू बनेगा, बट मुझे तो माइनस पाई बाय टू से 0 चाहिए, तो ये भी खत्म। अब इस पे आते हैं cot इनवर्स 1 बाय x, जैसे मैंने उधर समझा दिया था फिर एक बार और सुन लो, cot इनवर्स 1 बाय x क्या है पाई बाय टू से पाई, उसमें अगर मैंने माइनस पाई ऐड किया तो क्या आएगा माइनस पाई बाय टू से 0, hence this is correct, समझ में आया क्या हुआ। तो इन फॉर्मुलेस को तीन सेट ऑफ फॉर्मुले, इनको एकदम टिप्स पे रखना है ठीक है, जो मैंने बता दिया जिसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को वो ये वाला पार्ट है ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब हम छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, उसके बाद एक टेबल बनवाऊंगा और फाइनली यू विल सी द ग्राफ। ये एकदम याद रखना ठीक है ना, ये तीन कैटेगरी एक में हुई, ये तीन एक में हुई, दिस इज फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला, दिस इज सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला, एंड दिस इज थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला। थर्ड सेट में भी ये थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर बिहेवियर चेंज हो रहा है एक्स पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। अब एक एक चलो इधर और सुन लो, ये चीज और सुन लो, इधर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि इधर क्या है ना कि ये टेन और कॉट जो थे ना
वो अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन थे। जैसे मैंने जब अभी जो बताया था उसमें क्लासिफाई किए, तो मैंने क्या किया, साइन कोसेक टेन को एक कैटेगरी में रखा। क्यों रखा? क्योंकि इनका आउटपुट क्या आ रहा था, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और जो बचे हुए तीन थे, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, उसको मैंने सेकंड कैटेगरी में रखा, क्योंकि उसके आउटपुट कहाँ आ रहे थे, जीरो से पाई के बीच में। तो देखो इन दोनों फॉर्मूले में तो दिक्कत नहीं हुई, क्यों, क्योंकि इधर भी ये दोनों है वो सेम कैटेगरी के, सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं साइन और कोसेक, क्योंकि इन दोनों का आउटपुट क्या हो रहा है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आता है। सिमिलरली फॉर सेकंड वन, ये दोनों भी सेम कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसका भी आउटपुट जीरो से पाई आता है, इसका भी जीरो से पाई आता है। बट इधर दिक्कत है, इधर दिक्कत इसलिए क्योंकि ये डिफरेंट कैटेगरी में फॉल होता है, ये उस कैटेगरी में फॉल होता है जिसका आउटपुट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, और ये उस कैटेगरी में फॉल होता है जिसका आउटपुट जीरो से पाई है। तो इसीलिए इधर एडजस्टमेंट करना पड़ा हमें। आई होप समझ में आया होगा आप, ठीक है ना, इतना काफी है, बहुत काफी है मतलब, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं एक कुछ इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, तो इसको अच्छे से कॉपी करो। ये टेन वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, टेन इनवर्स वन बाय एक्स वाला, टेन इनवर्स एक्स वाला, ठीक है, रेसिप्रोकल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स वन बाय एक्स लिखेंगे उसको। अब देखना, जैसे हमें कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी, जैसे साइन इनवर्स हाफ, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, तुम लोग खुद से करो, ठीक है, बेटर रहेगा, थोड़ा प्रैक्टिस होगा, वीडियो को पॉज करके मैं डिस्कशन करूंगा अभी, पहले मैं एक बार लिख देता हूँ सारे। ठीक, और लिख लेते हैं थोड़ा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इन्हीं के जो आर्गुमेंट लिखा उसमें नेगेटिव एंड साइन डाल देता हूं, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, टेन इनवर्स माइनस वन, टेन इनवर्स माइनस वन बाय रूट थ्री, कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री, sec inverse minus 2 and cosec inverse minus 2 by root 3, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, तुम लोग इस सारे आंसर लिखो, कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 उधर, 14 क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो तुम लोग करो, मैं इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलो एक एक करके, तो sin inverse ऑफ, अगेन आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, तो आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मिलना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मिलना चाहिए sin, अब कौन सा ऐसा एंगल है जिसका sin लेने पे हाफ मिलता है, तो दिस इज वेरी सिंपल, पाई बाय सिक्स, और पाई बाय सिक्स क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, कॉस इनवर्स हाफ, तो अगेन आर्ग्यूमेंट इज पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, कॉस थीटा हाफ कब होता है, पाई बाय थ्री पे, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाय थ्री। अब आते हैं थर्ड पे, टेन इनवर्स वन, तो टेन इनवर्स वन क्या है, एक एंगल है और जिसका टेन लेने पे बना है, तो टेन थीटा वन कब होता है, पाई बाय फोर पे भी होता है, फिर हमारा थ्री पाई बाय फोर, सॉरी पाई प्लस फाइव पाई बाय फोर पे भी होता है, लेकिन मुझे क्या लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो क्या लूंगा, पाई बाय फोर, फिर टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री, इट इज पाई बाय सिक्स, क्वाड इनवर्स रूट थ्री, तो क्वाड इनवर्स रूट थ्री। अब देखो हमने क्वाड इनवर्स रूट थ्री को कैसे डील करेंगे हम, वो अब टेन में कन्वर्ट करने हैं, क्योंकि हमें टेन का पता है, टेन का हमें आसानी से याद रहता है, तो क्वाड इनवर्स रूट थ्री को जो लास्ट फॉर्मूला लिखवाया था रेसिप्रोकल वाला, उसमें आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, तो सिंपली क्या करें हम, इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री, और टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री ऊपर ही देखा हमने, तो ये क्या होता है, पाई बाय सिक्स, समझ में आया। सेकंड वर्स टू, तो अगेन सेकंड वर्स टू है, तो इसको हम कॉस में डील करेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू पाई बाय थ्री, समझ में आया। जैसे कॉट इनवर्स रूट थ्री को क्या लिखा पहले मैंने, टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री, एंड दिस इज रिटर्न एज पाई बाय सिक्स। अब कॉसेक इनवर्स टू बाय थ्री, तो कॉसेक को कैसे डील करूंगा, साइन में, पहले साइन में कन्वर्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू, और साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू क्या होगा हमारा, वो एंगल जिसका साइन लेने पर रूट थ्री बाय टू है, एंड द एंगल शुड बी ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज एक्स इज पॉजिटिव, सो इट शुड बी पाई बाय थ्री, 60 डिग्री, समझ में आया। आई होप सभी के करेक्ट आए होंगे, इनमें हो सकता है किसी ने इक्का दुक्का बच्चों ने गलती की हो, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो साइन इनवर्स माइनस हाफ,
तो साइन इनवर्स पहले हम फर्स्ट कैटेगरी, जो पहली कैटेगरी थी हमारी, उसके हिसाब से इसको क्या लिखूंगा मैं, ये फर्स्ट कैटेगरी में आता है साइन कोसेक और टेन, तो दिस इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ, और माइनस साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ पाई बाय सिक्स था, तो दिस इज माइनस ऑफ पाई बाय सिक्स, क्लियर है, कॉस इनवर्स माइनस ऑफ, तो अब कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या था, अब वो सेकंड कैटेगरी में था, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्या था ये, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स मतलब हाफ, तो दिस इज पाई माइनस, और कॉस इनवर्स हाफ इधर निकाला पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री, तो ये हमारा फाइनली आ गया टू पाई बाय थ्री, क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है ना, और देखो कॉस इनवर्स माइनस हाफ एक्स नेगेटिव है, तो देखो अपने आप टू पाई बाय थ्री कहां का आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ गया, समझ में आया, चलो टेन इनवर्स माइनस हाफ माइनस वन, तो टेन इनवर्स तो फर्स्ट कैटेगरी में था, उसमें तो माइनस को बाहर ले लेते हैं तुरंत, साइन टेन और कोसेक में से याद रखो, साइन इनवर्स टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स वन, एंड दिस इज माइनस, और टेन इनवर्स वन हमारा इधर क्या था पाई बाय फोर, तो ये हो गया माइनस पाई बाय फोर, फर्दर दिस इज अगेन दिस इज माइनस टेन इनवर्स वन बाय रूट थ्री, दिस इज माइनस पाई बाय सिक्स, कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री, अब कॉट वाला क्या सेकंड कैटेगरी में, तो माइनस को बाहर लगाते हैं तो क्या लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री, तो ये हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री, अभी हमने इधर लिखा पाई बाय सिक्स, तो पाई माइनस पाई बाय सिक्स विच इज फाइव पाई बाय सिक्स, ठीक है ना, अब सेकंड इनवर्स माइनस टू, तो सेकंड इनवर्स टू अगेन सेकंड कैटेगरी में, तो क्या लिखेंगे पाई माइनस सेकंड इनवर्स टू, और सेकंड इनवर्स टू हमने इधर निकाला which is pi by 3, तो pi minus pi by 3 which is 2 pi by 3, lastly cosec inverse minus 2 by root 3, तो cosec inverse again क्या करेंगे हम इसको, ये हमारा first category में है, तो minus को बाहर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा minus cosec inverse 2 by root 3, और cosec inverse 2 by root 3 इधर निकाले हम कितना आया pi by 3, तो ये हो गया minus pi by 3, तो देख रहे हो ये हमारा first category, चलो इसको नंबरिंग कर देते हैं, ये हमारा first category का था, ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी था, ये फर्स्ट और ये फर्स्ट, ठीक है ना, तो फर्स्ट कैटेगरी वाले में देखो आउटपुट जो होगा अगर एक्स नेगेटिव है तो हमारा आउटपुट कहाँ आना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस पाई बाय सिक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस पाई बाय फोर फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस पाई बाय सिक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड माइनस पाई बाय थ्री अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, और दूसरों में जो सेकंड कैटेगरी में थे उसमें कहाँ आना चाहिए एक्स नेगेटिव होता तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो टू पाई बाय थ्री सेकंड क्वाड्रेंट, इधर हमारा 5 पाई बाय 6 सेकंड क्वाड्रेंट, इधर हमारा 2 पाई बाय 3 अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, क्लियर हुआ बच्चों, और ये x पॉजिटिव है तो ये वाले जो एंगल आएंगे जितने भी आएंगे इधर सारे दे विल ऑल विल बी फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, तो अब एक का दुख और छोटी मोटी चीज देख लेते हैं इसके बाद, उसके बाद हम फॉर्मली ग्राफ स्टार्ट करेंगे, अब देखना मैं इसको रब कर देता हूँ एक दो चीज छोटी छोटी, अब जैसे मान लो तुमसे किसी ने पूछा साइन इनवर्स फोर बाय थ्री, तो हम बेसिक डेफिनेशन सबसे पहले यूज करेंगे, सुनना बेसिक डेफिनेशन क्या है साइन इनवर्स एक्स की, कि साइन इनवर्स एक्स एक ऐसा एंगल है जिसका साइन लेने पे एक्स मिले, अब मैं इसको रीड करता हूं, साइन इनवर्स फोर बाय थ्री एक ऐसा एंगल है जिसका साइन लेने पे फोर बाय थ्री मिले, बट मुझे पता है साइन ऑफ थीटा तो फोर बाय थ्री कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो माइनस वन से वन के बीच में लाई करता है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो तुरंत ऐसे नहीं बोल दिया, ठीक है, इधर आर्गुमेंट भी देखा हमने, जैसे मैंने लिखा sec inverse half, तो मैं बोलूंगा sec inverse half एक ऐसा एंगल है जिसका sec लेने पे half आए, sec लेने पे half आए मतलब cos लेने पे 2 आए, तो cos लेने पे 2 आए तो ऐसा तो कोई एंगल होता ही नहीं है, क्योंकि cos की अगेन रेंज क्या होती है माइनस वन से वन, अगेन दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, चलो अच्छा, अब जैसे मान लो मैंने साइन इनवर्स लिखा, साइन इनवर्स हाफ लिखा, तो साइन इनवर्स हाफ जैसे लिखा तो हम क्या करते हैं जनरली, जैसे अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ना तो हम इसकी वैल्यू एंगल लिख देते हैं, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल हमें पता होता है, जैसे कि मैंने साइन इनवर्स हाफ लिखा तो इसका एंगल क्या बोलोगे तुम, दिस इज पाई बाय सिक्स 30 डिग्री, बट अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा साइन इनवर्स टू बाय थ्री क्या होगा, तो पहले तो मैंने देखा कि वैलिड है कि नहीं, तो मैंने बोला साइन ये एक एंगल है जिसका साइन लेने पर टू बाय थ्री मिलेगा, तो साइन की साइन थीटा की वैल्यू टू बाय थ्री होती है कि हाँ होती है, बिकॉज साइन थीटा की रेंज माइनस वन से वन आती है, तो है तो करेक्ट, बट इसका एंगल क्या लिखेंगे, अगेन फिर हम क्या लिखेंगे, इसका जो एंगल आएगा ना वो टेबल आती है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की टेबल होती है,
ठीक है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा की जैसे लॉग की टेबल होती है उसी प्रकार साइन और कॉस की टेबल होती है, बट हमें तो वो पता नहीं होगा, तो हम लिखेंगे ये एंगल को हम रेडियन वगैरह में ना लिखे, हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख देंगे साइन इनवर्स 2/3। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल वो पाई वाई के टर्म्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एंगल बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी टेबल होती है जैसे लॉग की होती है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर इधर स्टैंडर्ड वैल्यू है जो जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल हमें पता है, तब तो हम पाई के टर्म्स में लिखेंगे आंसर। और अगर मान लो ऐसा वैल्यू आई जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं पता, तो हम वैसे के वैसा छोड़ देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा साइन इनवर्स 5/6, तो भाई नहीं पता, आई विल रीड से इट, ये क्या एंगल, इस एंगल की वैल्यू कितनी है, यही है। मैंने लिखा टेन इनवर्स 20, टेन इनवर्स 30, तो अगेन टेन इनवर्स 30 मुझे नहीं पता, बट ये वैलिड है क्या, पहले ये सोचो। हाँ ये वैलिड है, क्यों? क्योंकि टेन इनवर्स जो टेन थीटा है, हमने पता पढ़ा है टेन थीटा का, कल ग्राफ भी बनाया था, टेन थीटा की रेंज तो पूरी आर होती है, पूरा वाई एक्सिस कवर करता है, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस इज ऑल रियल वैल्यूज, तो 30 तो आएगा कहीं ना कहीं, तो वैलिड तो है, बट इसके करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड एंगल नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे, यही की यही लिख देंगे टेन इनवर्स 30। समझ में आया? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, इतना कॉपी करो, अब हम देखेंगे इसके बाद ग्राफ। तो अब हम देखेंगे एक टेबल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, उसके बाद हम फॉर्मली ग्राफ्स बनाएंगे, जो हमारा कंक्लूड था। तो लेट्स वी ड्रॉ इट। तो इधर हम तीन चीज लिख रहे हैं, फंक्शन, उसका डोमेन और उसका रेंज। तो इधर मैं फर्स्ट कॉलम बना रहा हूँ फंक्शन का, फंक्शन, सेकंड कॉलम इज उसका डोमेन, डोमेन मतलब एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ एक्स का सेट, एंड लास्टली रेंज। जो भी हमने छह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे वो टेबल हम फिल कर रहे थे, ठीक है ना, उसका डाटा फिल करते हैं। तो पहला फंक्शन, चलो इधर सीरियल नंबर भी लिख लो, पहले लिखना है तो सीरियल नंबर, फर्स्ट, फर्स्ट में हम ले रहे हैं साइन इनवर्स एक्स। चलो मैं पूरे पहले एक साथ लिख देता हूँ, वी वाला कॉलम पूरा भर देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स। सेकेंड वन इज कॉस इनवर्स एक्स, थर्ड वन इज साइन कॉस टेन इनवर्स एक्स, देन फोर्थ वन इज cot inverse x, fifth one is cosec inverse x, and last but not least sec inverse x। ठीक है, ये हमने छह फंक्शन ले लिया। अब तुम एक काम कर सकते हो, तुम अपने से एक बार खुद से फिल करो डोमेन एंड रेंज, ठीक है, और वेरीफाई करो तो करेक्ट है या नहीं, क्योंकि कल पूरा रेंज के ऊपर डिस्कशन किया ही था अभी हमने, ठीक है ना। तो देखते हैं साइन इनवर्स एक्स डोमेन क्या होगा। तो अब याद क्या रखेंगे इन चीज इनवर्स का डोमेन, कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे ना साइन कॉस टेन कॉट, उनका जो रेंज था, देखना मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा, उन फंक्शंस का जो रेंज था वो इधर डोमेन हो जाएगा। एक बार और सुनो, जो हमारे साइन कॉस कॉट टेन जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, उनके जो रेंजेस थे वो इनवर्स के लिए डोमेन का काम करेंगे, वो इनवर्स के लिए डोमेन का काम करेंगे। तो हमें पता है साइन इनवर्स एक्स का उधर रेंज क्या था, -1 से 1, तो इधर वो डोमेन का काम करेगा, तो इधर हो जाएगा -1 से 1। बाकी हम इनवर्स और डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचना कि सर अभी ऐसा क्यों आया, उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, वो एक्सप्लेनेशन होता है कि भाई इसका रेंज उसके डोमेन के बराबर होता है, उसका डोमेन इसके रेंज के बराबर, वो सब हम इनवर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब cos inverse x का, अगेन cos inverse cos x का रेंज क्या होता है, -1 से 1, तो इधर वो डोमेन का काम करेगा, तो इधर हो गया -1 से 1। अच्छा, अब tan inverse x का रेंज क्या होता है, वो तो पूरा tan x का रेंज क्या होता है, पूरा y एक्सिस कवर करता है, r रियल वैल्यूज, तो इधर क्या हो जाएगा, इसका डोमेन r हो जाएगा। सिमिलरली cot inverse x का डोमेन r हो जाएगा। अब आते हैं cosec inverse x पे, तो cosec inverse x का उधर रेंज क्या था, -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 क्लोज से इन्फिनिटी, तो वो हमारा इधर डोमेन का काम करेगा, तो ये हो जाएगा -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 क्लोज से इन्फिनिटी। एंड लास्टली sec इनवर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा, जो sec x का रेंज था, sec x का रेंज भी यही था, तो इसको इधर ऐसे लिख लो सेम एज इट इज। क्लियर है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब ये कॉलम भरते हैं, तो ये तो आज अभी हमने देखा, इससे पहले क्या देखा था इसमें, कि साइन तीन दो कैटेगरी ऑफ फंक्शन, दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। ये तो क्या फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का आउटपुट आता है, और कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इसमें फर्स्ट और सेकंड वाला आता है, तो एक में -π/2 से π/2 रहता है रेंज, और एक में रहता है 0 से π रहता है। बट उसमें मुझे, मैंने बोला था उस टाइम कि जैसे टेन इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2 क्लोज नहीं लिखेंगे, ओपन लिखेंगे, तो वो इधर एग्जैक्ट लिखेंगे अब हम, ठीक है। तो अब देखना साइन इनवर्स एक्स का क्या बोला रेंज, इट इज फ्रॉम -π/2 क्लोज से +π/2 क्लोज, तो रेंज इज -π/2 क्लोज से π/2 क्लोज। ये टेबल एकदम टेक्स्ट पे होना चाहिए जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज,
तो ये सेकंड कैटेगरी में है, तो जीरो क्लोज से पाई क्लोज। अब टेन इनवर्स एक्स का रेंज, तो टेन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, बट माइनस पाई बाय टू पे ओपन रहेगा, क्योंकि टेन एक्स जो होता है वो पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू अनडिफाइंड होता है, क्योंकि अगर मैंने इसको ये लिखा इज इक्वल टू थी पाई बाय टू लिखा तो टेन पाई बाय टू टेन माइनस पाई बाय टू इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है, इसलिए इधर ओपन आएगा, इसलिए इधर ओपन आएगा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। क्लियर हो बच्चों? बट मैं इसको कैटेगरी सेम कैटेगरी में रखूंगा जैसे मैंने साइन इनवर्स एक्स को रखा, उसी में टेन इनवर्स एक्स आएगा, उसी में कोसेक इनवर्स एक्स आएगा, अभी लिखेंगे हम। उससे पहले cot inverse x, तो cot inverse x सेकंड कैटेगरी में आएगा, तो जो cos cos का होता है रेंज वही इधर होगा, बस इधर क्या आ जाएगा, जीरो और पाई पे ओपन आ जाएगा, इधर क्या होगा, जीरो और पाई पे ओपन आ जाएगा, क्योंकि cos cot अगर मैंने cot थीटा जीरो लिया तो नीचे डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा ना cot, ठीक है, तो इसलिए इधर ओपन आएगा। अब cosec inverse x, तो cosec inverse x किस कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी में, जो sin inverse x का रेंज था वही इसका होगा, बट इधर एक चीज याद रखेंगे, तुम दो मिनट के लिए वीडियो पॉज करके सोचो कि ये पूरा करेक्ट है क्या जो मैं अभी लिख रहा हूँ, कि इसमें से मुझे कुछ हटाना पड़ेगा, जस्ट थिंक इट वंस, इज इट करेक्ट, और यू नीड टू सब्ट्रैक्ट सम नंबर फ्रॉम इट, मतलब इसमें से कुछ एक्स्ट्रा हटाना पड़ेगा जब अनडिफाइंड हो रहा है, तो ऐसे सोचो cosec x कब अनडिफाइंड होता है, cosx x मतलब 1 upon sin x, और sin x 0 का होता है, 0 पे इस इंटरवल में, तो इसमें से मुझे 0 हटाना पड़ेगा, माइनस कर्ली ब्रैकेट 0। लास्टली सेकंड वर्स x का क्या हो जाएगा, जो cos इनवर्स x का है, व्हिच इज 0 टू पाई, बट अगेन इधर मुझे एक वैल्यू हटानी पड़ेगी, क्या वैल्यू हटानी पड़ेगी, सॉरी इट इज 0 टू पाई, क्या हटाना पड़ेगा, माइनस कर्ली ब्रैकेट पाई बाय 2, वेरीफाई करो, खुद से सोचो मैंने पाई बाय 2 क्यों हटाया, बिकॉज 1 upon cos पाई बाय 2 अनडिफाइंड होता है ना, तो ठीक है, इस टेबल को एकदम टेक्स्ट पे याद रखना, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगी, और अभी ग्राफ भी बनाएंगे हम इसकी मदद से थोड़ा, ठीक है ना, जैसे आई विल यूज डोमेन और रेंज, तो मैं देखूंगा कि हाँ भाई इस केस के बीच में ग्राफ आएगा, इस विंडो के बीच में आएगा, वो हम यूज करेंगे, तो ये डोमेन और रेंजेस एकदम टेक्स्ट पे होना चाहिए, ठीक है। डोमेन के लिए तो सीधा सीधा फंडा है कि जो हमारे जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक्स एक्स, उनका जो रेंज था वो इधर डोमेन का काम कर रहा है, और रेंज के लिए हमने पहले बता दिया, दो कैटेगरी में हमने उसको कैटेगराइज किया है, एक तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट और एक फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट वाले, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट वाले कौन से होंगे, साइन कोसेक एंड टेन, और फर्स्ट एंड सेकंड वाले कौन से होंगे, कॉस कॉट और सेक, ठीक है बच्चों। चलो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम ग्राफ देख लेते हैं इन छह के छह फंक्शन का, ठीक है, उसके बाद हम एंड अप करेंगे इस लेक्चर को। तो पहले हम देखते हैं इनवर्स साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है, अभी हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे कि ऐसा ही क्यों आया, जितना जरूरी है उतना देखेंगे, बाकी और डिटेल एनालिसिस हम इनवर्स में देखेंगे, जहां इनवर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा वैसे एक पॉइंट और है, अगर ऐड करना है तो कर सकते हो, जो हमारे फंक्शंस होते हैं ना, जो फंक्शन एंड इट्स इनवर्स, दे आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन, अभी हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट इसका यूज हम करेंगे आगे चल के, क्या बोला मैंने, लिख लो नोट करके, अभी के लिए नोट करके, द फंक्शन एफ एक्स एंड इसका इनवर्स कैसे लिखूं, एफ इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y इज इक्वल टू एक्स, हालांकि इसका यूज कर सकते हैं, ग्राफ में भी मदद मिलेगी, हमें पता है जैसे साइन एक्स का ग्राफ पता है हमें, तो हम साइन एक्स के ग्राफ के अबाउट सिमेट्रिक कोई कर्व बनाएंगे ना, तो वो इनवर्स आ जाएगा, कीपिंग इन माइंड डोमेन एंड रेंजेस, ठीक है। चलो एक देख लेते हैं इसको, तो पहला कर्व हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट कर्व इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ इट। देखो सबसे पहली बात, इसका डोमेन देखें अभी हम, जो साइन एक्स का रेंज होता है वो इसका डोमेन होता है, मतलब माइनस वन से वन के बीच में, तो माइनस वन से वन के बीच मतलब इसके बीच में ग्राफ आने वाला है। एंड सेकंड चीज, इसका आउटपुट क्या था, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मतलब रेंज तो इधर से इधर आने वाला है, तो मतलब हमारा जो अल्टीमेटली जो ग्राफ आएगा, देखना मैं विंडो बना देता हूँ, उसी के अंदर आएगा, एक तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में, और इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में, मतलब ये चार रीजन जो है, इसी में हमारा अल्टीमेटली ग्राफ आने वाला है। ये हमने कैसे डिसाइड किया, हमने साइन इनवर्स एक्स का रेंज और डोमेन की हेल्प से, कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है वो माइनस वन से वन होता है, ये जीरो हुआ, ये माइनस वन, ये प्लस वन, फिर हमने वाई एक्सिस पे कैसे डिसाइड किया किसके बीच में आएगा ग्राफ, वो रेंज से, तो ये दिस इज प्लस पाई बाय टू एंड दिस इज माइनस पाई बाय टू, देखो ठीक है। अब देखना क्या है कि एक पॉइंट और अगर ऐड करना है तो कर सकते हो, बाकी चलो लिख लेते हैं इस पॉइंट को भी,
ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द इनवर्स यही कवर हो जाएगा तुम्हारा एक्चुअली। क्या लिखा हो गया पॉइंट, कि अगर मान लो कोई y = fx जो पॉइंट है, y = fx जो कर्व है, इस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है अल्फा कॉमा बीटा, तो ना क्या बोला, अगर y = fx कोई कर्व है उस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है अल्फा कॉमा बीटा, तो इसके करस्पॉन्डिंग इनवर्स फंक्शन पे, इसके इनवर्स पे f इनवर्स x पे एक पॉइंट लाई करेगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा बीटा कॉमा अल्फा। अभी के लिए याद रखेंगे ऐसा क्यों होता है वो हम एक्सप्लेनेशन इनवर्स में देखेंगे। मैंने क्या बोला, अगर कोई fx कोई कर्व है उस पे अगर लेट्स से 1.2 आ रहा है, तो ना 1.2 आ रहा है, तो उसके उसका जो इनवर्स होगा ना उस पे पॉइंट लाई करेगा 2.1। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं तुम्हें, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख लूँ y इज इक्वल टू ln x, और अगर y इज इक्वल टू लेट्स से ये fx है, fx इज इक्वल टू ln x, अभी हम इनवर्स निकालना देख नहीं रहे, बट इसका इनवर्स होता है e की पावर x, वो बताऊंगा कैसे आता है, ठीक है बाद में। मैंने बोला f इनवर्स x क्या होगा, e की पावर x, ये आया कैसे, उसका एक प्रोसीजर है इनवर्स निकालने का, ठीक है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी नहीं। तो अब देख रहे हो ln x पे एक पॉइंट है, लेट्स से मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, तो मुझे पता है ln x पे एक पॉइंट होता है 1.0, तो अब देखो e की पावर x पे 100% 0.1 होगा, सेटिस्फाई करके देख लो x = 0 डाला तो y बन आया। तो समझ में आया, जैसे मैंने बोला था अगर ये अल्फा कॉमा बीटा होगा तो इधर बीटा कॉमा अल्फा होगा, तो इसको भी तुम नोट करके लिख लो, एक काम करो, ठीक है ग्राफ में हेल्प करेगा ये प्लॉट करने में, ठीक है। चलो अब जैसे कि मैंने इन दोनों पॉइंट का यूज करके और रेंज और डोमेन, ये चार चीज अब मेरी आ गई मेरे दिमाग में, अब इन चार चीज का यूज करके तुम एक बार प्लॉट करने की कोशिश करो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। क्या बोला मैं, एक तो मैंने चार चीज फैक्ट यूज कर रहा हूँ, एक तो डोमेन -1 to 1, एक रेंज -π/2 से π/2, उससे तो ये डिसाइड हो गया इन चार रीजन में आएगा मेरा, ये चार रीजन है। इसके अलावा अब ये वाला पॉइंट यूज करो कि fx और f इनवर्स x का ग्राफ सिमेट्रिकल होता है y = x के रिस्पेक्ट में, और तीसरी चीज यूज करो कि अगर अल्फा कॉमा बीटा इस पे पॉइंट है तो उसके इनवर्स पे बीटा कॉमा अल्फा होगा। अब हमें इनवर्स निकालना है और sin x का मुझे पता है, ओवरऑल चार नहीं पांच चीजें यूज होगी, sin y = sin x का कर्व यूज होगा, ये वाला पॉइंट यूज होगा, ये पॉइंट यूज होगा, रेंज और डोमेन यूज होगी टू प्लॉट इनवर्स का फंक्शन, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली प्लॉट कर रहा हूं, तुम वेरीफाई करना, ठीक है आई एम प्लॉटिंग इट डायरेक्टली। चलो एक दूसरे कलर से यूज कर लेते हैं इसको, देखना इसका स्लोप वगैरह एनालिसिस हम बाद में करेंगे, अभी हम इसके डेरिवेटिव वगैरह का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो कर्व बनाया मैंने, ये वाला कर्व ब्लू में, दिस इज इनवर्स का ग्राफ, याद रखना हमें, ठीक है ना। x = 0 पे 0 है, sin इनवर्स 1 π/2, तो इधर इधर के π/2, sin इनवर्स -1 -π/2, ठीक है। जैसे मैंने एक इधर लिया, लेट्स से sin इनवर्स, लेट्स से चलो इधर लिया मैंने 1/2, तो sin इनवर्स 1/2 कितना होता है हमारा π/6, 30 डिग्री, π/6, ठीक है। sin इनवर्स 1/√2, तो इधर आएगा 1/√2, तो और ऊपर बढ़ जाएगा π/4, फिर साइन इनवर्स √3/2, वो π/3 आएगा, ये आ गया π/3, एंड सो ऑन, दिस इज 1/√2 एंड दिस इज √3/2। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ग्राफ एकदम हम फास्ट, हमें एकदम प्रैक्टिस होना चाहिए, एकदम रटे हुए होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए ग्राफ, ये 6 के 6 इनवर्स फंक्शन के, ठीक है ना। और अभी हम इन क्योंकि अभी हम इनके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम ग्राफिकल ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो केवल ग्राफिकली सॉल्व हो सकते हैं, मतलब इक्वेशंस वगैरह से सॉल्व हो ही नहीं सकते, तो इसलिए हमें ग्राफ तो एकदम टेक्स्ट में होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसका हम तुरंत कैसे बनाएंगे ग्राफ, खटैक अटैक, बस ऐसा किया, ऐसे किया, डेड डेड डैश, ये अपना ये तो, और ये हमारा एक्चुअल ग्राफ ये है, ये वाला −1 −1 π/2 −π/2 खत्म, समझ में आया, ठीक है। अभी इसके बारे में और भी चीज लिख लेते हैं, वो टर्मिनोलॉजी तुम लोग लिख लो, ठीक है मैं इसको रब कर देता हूँ इस पार्ट को। इसके बारे में रेंज डोमेन वगैरह तो लिख लिया है, एक बार हम रूट्स वगैरह और डिस्कस कर लेते हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी सीखी थी इस पार्ट को मैं रब कर रहा हूँ, यू जस्ट कॉपी दिस पार्ट, ठीक है। चलो एक बार इसको मिटा देता हूँ, दोबारा एक बार बना देता हूँ, ठीक है। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, That you have to verify कि ये जो कर्व आ रहा है वो साइन एक्स के सिमेट्रिक है, ठीक है ना, वो तुम लोग वेरीफाई करो। क्योंकि इसके ऊपर डिस्कशन हम आगे चल के लेने ही वाले हैं, तो अभी हमें टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है, +1 −1 +π/2 और −π/2,
तो हमने डोमेन और रेंज तो देख ही लिया, डोमेन इज माइनस वन टू वन, रेंज इज माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, थर्ड पॉइंट इज रूट, तो रूट है क्या, हाँ रूट है, साइन इनवर्स एक्स जीरो कब होता है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, या ऐसे बोल लो कि ग्राफ कहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को जीरो पे, तो इसका रूट है, रूट है, और रूट एक रूट है, एक ही रूट है विच इज जीरो, एक रूट है दैट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। अच्छा अब इसके बाद एसिम्प्टोट है क्या, ये किसी पर्टिकुलर लाइन को इंडेफिनेटली अप्रोच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, कोई बोलेगा कि सर इसको अप्रोच कर रहा है, नहीं इसको अप्रोच नहीं कर रहा है, ये तो यहाँ जाके रुक गया, इंडेफिनेटली अप्रोच तो क्या होता है कि लगातार अप्रोच करते जाए, कभी टच कर ही ना पाए, ठीक है, सो एक्स इज इक्वल टू वन इज नॉट एसिम्प्टोट, ठीक है ना, तो इसमें एसिम्प्टोट नहीं है, एसिम्प्टोट नहीं है, तो इसका रेंज जैसे मैंने लिखा था रेंज इज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो लोएस्ट एलिमेंट एफ मिनिमम इज माइनस पाई बाय टू, एफ मैक्स इज प्लस पाई बाय टू, लोअर बाउंड है क्या, हाँ है, एंड लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है माइनस पाई बाय टू, अपर बाउंड है उसकी भी वैल्यू कितनी है प्लस पाई बाय टू, पीरियोडिक है क्या, नहीं रिपीट तो नहीं कर रहा ये ग्राफ, हैंस दिस इज नॉट पीरियोडिक, तो ये सब तुम लोग लिख लो, ठीक है। अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स, तो मैं इसको रब कर देता हूँ अब, ठीक है चलो, कॉस इनवर्स एक्स y is equal to cos inverse x, तो इसका जो ग्राफ होगा अगेन डोमेन और रेंज से मैं पहले विंडो डिसाइड कर लेता हूँ किस रीजन में आएगा, तो माइनस वन से वन एंड जीरो से पाई, तो लेट से एक काम करते इसको थोड़ा नीचे बना लेता हूँ x एक्सिस को, देखना लेट से दिस इज माई x एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज माई y एक्सिस, दिस इज माइनस वन दिस इज प्लस वन, तो जीरो से पाई, तो पाई कहीं ही होगा, दिस इज y is equal to pi, तो मेरा इस रीजन में आएगा, और एक लाइन और बना देता हूं मैं, जीरो पाई बाय टू वाई इज इक्वल टू पाई बाय टू, अब एक दो तीन चार इन रीजन में आएगा, ये कैसे डिसाइड किया मैंने, यूजिंग डोमेन एंड रेंज, इससे पहले हमने डिस्कस किया था उसके बारे में, अब हम ग्राफ बना लेते हैं इसका, तो ग्राफ विल बी, और तुम लोग वेरीफाई करना कि ये कॉस एक्स के सिमेट्रिक कैसे है, ठीक है ना, दैट यू हैव टू वेरीफाई, आई विल ड्रॉ इट, एक बार इसमें और दूसरा कलर लगा देता हूं, दिस इज पाई बाय टू, दिस इज पाई बाय टू, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, इसको और भी एनालिसिस करेंगे हमारे ग्राफ का जब हम डेरिवेटिव सीखेंगे, अभी डेरिवेटिव की जरूरत है नहीं इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, ठीक है ना, या एक काम करूंगा अगर लास्ट में लिखना होगा तो मैं छह के छह फंक्शन के डेरिवेटिव बता दूंगा, और मे बी तुम लोग फिजिक्स में पढ़े हो, आई एम नॉट श्योर, बट फिर भी अभी के लिए हम उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बाकी जब हम देखेंगे ना प्रॉपरली तो हम देखेंगे कि ये जो यहाँ टच कर रही है ना लाइन, जैसे ऐसे आ रही है, वो एक्चुअली वर्टिकली आ रही है, ये सब बारीक बारीक एनालिसिस बाद में देखने वाले हैं हम, तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे दैट इज एक्स इज इक्वल टू वन पे इसका डेरिवेटिव इन्फिनिटी होता है, तो दिख रहा है ये वर्टिकल टेंजेंट आएगा, चलो लिख ही लो एक बार, एक काम करो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वाई डैश, ये होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो देख रहा है x is equal to zero पे क्या हो रहा है हमारा डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन जीरो मतलब इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है ना, hence this vertical tangent, ठीक है, और x is equal to zero पे इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है माइनस वन, तो x is equal to zero पे जब तुम टेंजेंट बनाओगे ना तो वो जो टेंजेंट होगा वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 135 डिग्री बनाएगा, बिकॉज tan ऑफ 135 इज माइनस वन, माइनस वन दिख रहा है ना x is equal to zero पे, तो ये सब एनालिसिस अभी के लिए हम रोक रहे हैं, इस सब के एनालिसिस हम बाद में करेंगे, ठीक है ना, चलो अभी जितना जरूरी है फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उतना बताया जा रहा है, ठीक है, चलो ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स इसका ग्राफ, ठीक है, और इधर ये मार्क कर लो, दिस इज जीरो एंड दिस इज पाई, तो दिख रहा है जीरो टू पाई रेंज माइनस वन टू वन डोमेन, और एक आध दो वेरीफाई करके देख लो, कॉस इनवर्स जीरो इज पाई बाय टू, फिर कॉस इनवर्स लेट से इधर इधर मेरा हाफ आएगा, सॉरी ये मेरा हाफ होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी होती है पाई बाय थ्री cos inverse half, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है, चलो इसको मैं रब कर देता हूँ, कॉपी कर लो, अब हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मूव करते हैं, दैट इज y is equal to tan inverse x, अगेन आई एम सेइंग कि ग्राफ को रटना है विद स्केल, ठीक है ना, डोमेन रेंज वगैरह का ध्यान रखते हुए, अब आते हैं tan inverse x का, तो tan inverse x के लिए मेरा रेंज तो ठीक है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू थी, और माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू पे ओपन था, तो मतलब इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में आएगा पहली बात तो, और डोमेन क्या था जो टेन एक्स का रेंज था, और टेन एक्स का रेंज क्या था ऑल रियल वैल्यूज आर, तो ये तो पूरी एक्स एक्सिस कवर करेगा, मतलब इधर भी आएगा इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे होता है वो लिख देख लेते हैं हम,
इसका ग्राफ विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। ये एक्चुअली टच नहीं करेगा बिकॉज प्लस पाई बाय टू के ओपन है और इधर दिस इज जीरो, दिस इज माइनस पाई बाय टू, दिस इज पाई बाय टू। ठीक है, देखना तुम, वेरीफाई करना, ये ग्राफ सिमेट्रिक होगा वाई टेन एक्स के, ठीक है ना, अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। चलो तो इसको इतना काफी है, अभी इसके बारे में ज्यादा और डिस्कशन करते नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो कॉट इनवर्स x के लिए क्या होगा, हमारा रेंज 0 टू पाई होगा, 0 टू पाई, एंड अगेन डोमेन विल बी ऑल रियल वैल्यूज। तो हमारा y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का जो ग्राफ होगा, तो x एक्सिस को थोड़ा नीचे बनाते हैं, लेट्स सी दिस इज माय x एक्सिस, देखना ये मेरा y एक्सिस हो गया 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई, ठीक है, और जीरो और पाई पे ओपन था, और पाई बाय टू इधर बना लेते एक बार लाइन, दिस इज माय, दिस इज माय लाइन वाई इज इक्वल टू पाई बाय टू, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, जीरो से पाई तो इस रीजन में आएगा, और एक्स तो पूरी रियल कवर करेगा, तो ये पूरा रीजन होगा, ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन, ठीक है ना, मतलब इस विंडो के अंदर आएगा अल्टीमेटली कहने का मतलब। और होगा क्या वैल्यू, वो ग्राफ कैसा होगा देखो इधर, ठीक है, इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी देखेंगे इसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है बाद में, ठीक है ना। जैसे टेन एक्स जो था, टेन एक्स मेरा कैसे आया था देखना एक बार, इसी स्केल पे, इसी में टेन एक्स एक बार बना के बता देता हूँ। टेन एक्स हमारा क्या आया था, ये पाई बाय टू है, तो हमारा पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू के बीच में आया था, मतलब ऐसा आया था, ठीक है। जो ब्लैक ब्लू वन है, दैट इज वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, और जो ब्लैक वन है दैट इज वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है बच्चों। चलो अब लास्टली दो ग्राफ और देख लेते हैं हम, दैट इज कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। तो पहले सेक इनवर्स एक्स बना लेते हैं, तो वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स के लिए पहले डोमेन और रेंज वगैरह देखते हैं, उसके हम पहले देखते हैं कि किस रीजन में आएगा। तो इसके लिए हमारा जो डोमेन था वो क्या था, जो सेक एक्स का रेंज होता है, और सेक एक्स का रेंज कितना होता है, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और इसका जो रेंज था, रेंज कितना था, सेकंड वर्स एक्स, मतलब सेकंड कैटेगरी ऑफ फंक्शन जो 0 से पाई बाय था, तो रेंज कितना था, 0 क्लोज से पाई क्लोज, बट एक अनडिफाइंड था पाई बाय 2 को उसमें हमने सबट्रैक्ट किया था, ये हमने टेबल में देखा था, इसलिए मैंने उधर बोला था टेबल एकदम टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब डोमेन और रेंज तो 6 के 6 फंक्शन के एकदम टिप्स पे होना चाहिए। चलो अब बना लेते हैं। तो देखो डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब अगर मैंने लाइन प्लॉट की, लेट्स से दिस इज माय एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड दिस इज लेट्स से एक्स इज इक्वल टू वन, और रेंज इज 0 टू पाई, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं एक्स एक्सिस को, देखना ध्यान से, एंड लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये तो हो गया 0, और पाई लेट्स से ये पाई है, दिस इज वाई इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो इसका मतलब अब मेरा किस रीजन में आएगा, खुद सोचो, और चलो पाई बाय टू भी मार्क कर ही लेते हैं पहले, दिस इज वाई इज इक्वल टू पाई बाय टू, ठीक है। अब मैं क्या क्लेम कर रहा हूं कि हमारा इस इन चार रीजन में नहीं आएगा, जिसमें मैंने पाम रखा है मेरा 1 2 3 4, इसमें नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस वन से वन ये तो हमारा डोमेन में ही नहीं है, ये वाला पार्ट हमारा डोमेन में ही नहीं है, तो इसका इस जो एक्स इज इक्वल टू वन लाइन है इसके राइट में आएगा या फिर माइनस वन के लेफ्ट में आएगा, ठीक है। और वाई जो वाई एक्सिस में है वो y is equal to 0, y is equal to pi के बीच में रहेगा, तो अल्टीमेटली ये रीजन प्लस दिस रीजन, इन दोनों रीजन में हमारा ग्राफ आने वाला है। आएगा कैसे वो मैं बता देता हूं। तो देखो पहले एक वैल्यू वेरीफाई कर लो, जैसे मैंने लिखा x is equal to 1 पे, x is equal to 1, अगर सेकंड वर्स x में x is equal to 1 डाला, तो ये सोचो कि सेकंड वर्स x, सेकंड वर्स x कैसे डिफाइन करते हैं हम, एक वो एंगल है जिसके sec की वैल्यू x x sec की वैल्यू 1 आएगी, तो वैसे सोचो कि कौन सा ऐसा एंगल है जिसमें sec थीटा 1 होता है, तो sec थीटा 1 मतलब cos थीटा 1, cos थीटा 1 का होता है 0, hence this should be 0। तो अब देखो x is equal to 1, y is equal to 0 प्लॉट किया, तो ये आएगा x is equal to 1, y is equal to 0। चलो अब सिमिलरली यू विल वेरीफाई, ये वाला पॉइंट आएगा एक माइनस वन, और ये हमारा पाई, माइनस वन को हमारा पाई भी इस पे लाई करेगा, तो ग्राफ जो होगा हमारा आप देखना कैसा नेचर होगा, वो पाई बाय टू, पाई बाय टू रेंज का पार्ट नहीं है, तो जो वाई इक्वल टू पाई बाय टू है ना, बेसिकली दैट विल बी एक्ट एज एसिम्प्टोट, तो ये हमारा एसिम्प्टोट का काम करेगा, ठीक है। समझ
समझ में आया। तो इसके लिए जैसे तुम डोमेन रेंज लिखा हुआ है, अब मैंने पूछा रूट क्या है, तो रूट हमारा एक ही रूट है, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू वन। उसके बाद मैंने बोला एसएमटोट है क्या, हाँ एसएमटोट है, वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये सब चीज़ तो हमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद बाउंडेड है क्या, हाँ बाउंडेड है, ये दो वर्टिकल लाइंस मिल गई। उसके बाद बाउंडेड है, अपर बाउंड की वैल्यू कितनी है पाई, लोअर बाउंड की वैल्यू जीरो। रेंज क्या, रेंज तो लिखी ली, लार्जेस्ट एलिमेंट कितना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है पाई, मिनिमम वैल्यू जीरो, एंड सो ऑन, ठीक है, वही चीज़ है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और क्या नोटिस करने वाली बात है, जैसे दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, क्यों, क्योंकि देखो ये हमेशा बढ़ रहा है, x बढ़ा रहा है तो y बढ़ ही रहा है, ठीक है। बाद में इसका डेरिवेटिव देखेंगे, एक्चुअली अगर तुमने फिजिक्स में पढ़ा हो तो देख लिख लो इधर, वन अपॉन मॉड x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस वन, दिस इज व्हाट y डैश, वन अपॉन मॉड x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस वन, तो डेरिवेटिव दिख रहा है पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तुम कहीं भी टेंजेंट खींचोगे इस पॉइंट इस कर्व पे, लेट्स इधर, तो वो जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के साथ वो एक्यूट एंगल बनाएगा। लेट्स से मैंने ड्रॉ किया टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया, तो ये एंगल थीटा, दिस इज एक्यूट एंगल, ठीक है। अभी इतना हालांकि जरूरत है नहीं, अभी हमारा मकसद क्या है, डोमेन रेंज और ग्राफ, डोमेन रेंज ग्राफ वगैरह, उतना डिस्क होना चाहिए, ठीक है। चलो अब लास्ट ग्राफ बना लेते हैं, वाई इजिकल टू कोसेक इनवर्स एक्स। तो सबसे बेटर क्या होगा कि जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन अभी दिया, जो भी तुम समझे अभी तक, उसकी हेल्प से यू जस्ट ट्राई टू ड्रॉ वाई इजिकल टू कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। और मैं अभी बना देता हूँ उसको। स्टार्ट कैसे करोगे तुम, पहले डोमेन और रेंज की मदद से पहले ये डिसाइड करना किस विंडो में आएगा, किस रीजन में आएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं रेंज को चेंज कर देता हूँ, डोमेन तो यही है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। रेंज क्या हो जाएगी हमारी, ये फर्स्ट कैटेगरी का है, तो साइन वाली रेंज, मतलब माइनस पाई बाई टू क्लोज से पाई बाई टू क्लोज, इसमें से हम एक एलिमेंट हटा देंगे जीरो, दैट यू शुड वेरीफाई कि जीरो क्यों हटाया, क्योंकि अनडिफाइंड होगा उधर, ठीक है। तो अब ग्राफ बना लेते हैं, और जैसा कि मैंने बोला वीडियो को पॉज करो और तुम खुद से बनाओ। तो पहले रीजन डिसाइड कर लेते हैं, दिस इज लेट्स से x इज इक्वल टू माइनस वन, दिस इज x इज इक्वल टू वन। अब x इज इक्वल टू माइनस वन के लेफ्ट में आएगा, x इज इक्वल टू वन के राइट में आएगा। अच्छा और रेंज क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, सो दो हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ, एक ये और एक ये, दिस इज y इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, और ये मेरा x एक्सिस है, दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज माइनस वन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द, अब जो हमने मतलब जो डाटा है हमारे पास रोमेन और रेंज के हिसाब से, तो इन चार रीजन में नहीं आएगा, जो मेरा पाम अभी जिसमें रखा है इसमें आएगा और इसमें आएगा, माइनस वन से वन डोमेन में ही नहीं है उसके। अच्छा अब ग्राफ कैसे आएगा, तो अगेन मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, तुम लोग वेरीफाई करो, एक ये पॉइंट और एक इस पॉइंट की मदद से, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। नाउ यू कैन सी कि रेंज के अंदर जो x इज इक्वल टू जीरो है वो टच नहीं हो रही है, ये जो ग्राफ है हमेशा x एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, कभी टच नहीं कर पा रहा है। तो रेंज में इफ आई टेक प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन y एक्सिस, जीरो नहीं आएगा, इसलिए देखो जीरो नहीं आ रहा है रेंज में। और इसमें बोलेंगे क्या कि एस एम डॉट क्या है, एक्स एक्सिस, और बाकी तो वही सिमिलर है, डोमेन लिख लिया, रेंज लिख लिया, स्मॉलेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, बाउंडेड है, उसके बाद एस एम डॉट हो गया, पीरियोडिक है क्या, नहीं पीरियोडिक नहीं है। जो भी इनवर्स फंक्शन हमने पढ़े छः के छः, दे ऑल सिक्स आर नॉन पीरियोडिक, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिर इतना काफ़ी है आज के लिए, ठीक है ना, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी हमने और थोड़ा हमने नई चीज़ पढ़ी है, ठीक है अभी तक, क्योंकि जनरली बच्चों को इनवर्स में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो अगर मान लो तुम्हें कहीं भी किसी पॉइंट में दिक्कत हो रहा है, पहले खुद से वीडियो को रिमाइंड करके दो तीन बार देखो, और अगर फिर भी नहीं आता है देन फील फ्री टू आस्क मी, क्योंकि आज का जो लेक्चर है अभी तक के जो फंक्शन पढ़ा है उसमें थोड़ा सा टफ पार्ट माना जाएगा, टफ इसलिए क्योंकि इनवर्स हमारे लिए एकदम नया है, ठीक है। हालांकि वैसे टफ नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैंने बोला अगर कुछ दिक्कत आती है तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।